नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं नदीम अंसारी। स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सोपोर मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स देवघर ओपीडी का किया उद्घाटन, हर रोज 200 मरीजों का होगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, एम्स देवघर बेहतर समाज के निर्माण का बनेगा माध्यम। मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण के लिए कल से शुरू होगा महाअभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के जरिए मुनादी के निर्देश, मुख्यमंत्री की ओर से समाज सेवियों और स्वयं सहायता समूहों समेत एनजीओ से भी सहयोग की अपील। उत्तर प्रदेश में कोरोना के काबू में आने के बाद आज से खुले कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को मिला प्रवेश। और लद्दाख में नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों को मिली बड़ी सुविधा, उपराज्यपाल ने कोचिंग कक्षाओं का किया उद्घाटन। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट के तहत 55 विद्यार्थियों को मिलेगा 1 साल तक की कोचिंग की सुविधा। और बुलेटिन में शुरुआत करते हैं देश के पश्चिमी प्रदेशों की खबरों के साथ। रत्नागिरी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री राणे पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद रैली के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी पुलिस ने चिपलून इलाके से केंद्रीय मंत्री को हिरासत में लिया है। इससे पहले नारायण राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज तमाम FIR को खारिज करने की एक अपील दायर की। वहीं रत्नागिरी में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के संयोजक और बीजेपी नेता प्रमोद जाधव ने कहा कि रत्नागिरी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री को बिना वारंट हिरासत में लिया है, जो कि गैर संवैधानिक है। मैंने SP साहब को पूछा, आपके ऊपर किसका दबाव है? अरे कायदे का राज्य है, 5 मिनट में मुझे अटक करने को बोला है, 5 मिनट में मुझे। अरे आपको अटक करना ठीक है, लेकिन उसका कागज तो दिखाओ, अटक वारंट तो दिखाओ। अभी हमने उनको जो पेपर्स दिए हैं उसमें कोर्ट के इसमें भी लिखा है कि प्रोटोकॉल, यू हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल। अगर आप अटक वारंट दिखाते थे है तो हम सब कार्यकर्ता आपके गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन आने को तैयार है। ये कायदे का राज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नागपुर में भारतीय सेना को मल्टी मोड ग्रेनेड की एक खेप सौंपी। ये ग्रेनेड द्वितीय विश्व युद्ध के हैंड ग्रेनेड डिजाइन की जगह लेगा, जो अब भी सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है। एक्टिविटीज में इस देश में जितने भी लोग लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के कारण जैसा काम इन्होंने किया है, स्वाभाविक रूप से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। करिश्मेटिक काम किया है और आज इस DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब की सहायता से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भारतीय सेना को सौंपा गया है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ही यही है कि भारत रक्षा उपकरणों को आयात करने वाला नहीं बल्कि निर्यात करने वाला देश बने। डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर को हम लोग बूस्ट दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हम लोगों का यह है कि भारत अब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इम्पोर्ट करने वाले कंट्रीज के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बट एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इमर्ज होना चाहिए भारत को, उद्देश्य यही है। शहरों में कूड़े और कचरे का निपटान हमेशा से एक चुनौती रहा है।
ऐसे में अपशिष्ट संग्रह प्रणाली को अधिक व्यापक और पारदर्शी बनाने के इरादे से साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। नागपुर नगर निगम ने स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत QR कोड का इस्तेमाल शुरू किया है। पूरे महाराष्ट्र में ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस को संबोधित कर रही हैं कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कल जो वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा हुई, उसमें साफ कहा गया है कि सरकार अपनी ओनरशिप को रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिंस विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे था, एकाधिकार था, उसी तरह एकाधिकार हो चुका है। दो तीन लोग हैं देश के उद्योगपति जिनको सारे काम दिए। गुलाम वो है जो आज भी एक खानदान के नीचे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी से आपने प्रश्नों की झड़ी लगाई होगी, पूछा उनसे कि कांग्रेस के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। गुलाम वो है जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि उन्होंने कोरोना के पहले भी आगाह किया था और अब भी आगाह कर रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था कि कोरोना के पहले की किस तरह की स्थिति आ सकती है, भयावह स्थिति आ सकती है। 70 साल की आजादी में जिस परिवार ने, जिस गृह जिले से मैं हूँ, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जहां पर वो 15 साल तक सांसद रहे, वहां पर एक CT स्कैन की मशीन भी तब आई जब मोदी की सरकार आई, और वो प्रधानमंत्री को हिदायत दे रहे हैं। जहां का वैक्सीनेशन ड्राइव आज लगभग 13 लाख अमेठी वासियों को मुफ्त प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है, वहां पर वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज तक एक गृह जिले में नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जी, उन्होंने ये कहा कि मैंने कोरोना के बारे में भी आगाह किया तो मेरा मजाक उड़ाया गया, और अब मैडम मैं कोरोना के संदर्भ में एक विषय आपको और ध्यान में लाना चाहती हूँ। जब कोरोना ने देश पे दस्तक दी, तब देश में एक भी PPE किट उपलब्ध नहीं था। उन्होंने अगर इतना सब कुछ किया तो ये बताएं कि कम से कम ये तैयारी देश में, उनके राज्य में कभी क्यों नहीं हुई। इस देश ने लॉकडाउन की अवस्था में PPE किट बनाना शुरू किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक ले। मैं दोबारा कहती हूँ, 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा, राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। मैं दोबारा कहती हूँ, भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ओनरशिप हर एसेट की भारत सरकार के पास रहेगी, शायद दिक्कत राहुल जी को इस बात की है। मैं दोबारा प्रश्न करती हूँ कि जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया,
जब रेलवे स्टेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए आरएफपी कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? The national president of the Bharatiya Janata Party has said that we will seek solution democratically and legally. What has happened today in Maharashtra is against all norms, not only of decency, of protocol, but also law. I have, and I'm subject to correction, one of the channels here today has played a TV clip as to how a police officer is being directed by a political leader to break all norms and go ahead and arrest a union minister. That this is the depth to which depravity will be now politically exhibited in Maharashtra is a sad day in our constitutional history. Ma'am, is Hindi mein bol dijiye ma'am. Aap Hindi mein puchhenge to bolenge. Jis tarah se Narayan Rane ko giraftar kiya gaya hai Maharashtra mein, Maharashtra police ne jis tatparta ke sath giraftar kiya hai, samvidhan ki dhajjiyan udate hue जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार से सहयोग और स्नेह जनता का मिल रहा था, आज उसके विरोध में हर प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कानून का उल्लंघन करते हमने एक सरकार को प्रदेश में देखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने अपना वक्तव्य आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। हम लोकतंत्र की ये लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये कहना ठीक होगा कि आज जब राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने प्रेस को ये नहीं बताया कि उनके राज में कानून की किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ रही हैं। मैम, निजीकरण को लेकर एक और सवाल पी चिदम्बरम जी ने पूछा है कि केंद्र सरकार को बिक्री शुरू करने से पहले कर्मचारियों, श्रमिक संघों, किसानों सहित सभी स्टेक होल्डर से परामर्श, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रदेश की सरकारों के साथ निश्चित रूप से परामर्श होगा, होता रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि साल 2006 में जब चिदम्बरम साहब ने खुद दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की किवायद की थी, किस किस से चर्चा की थी? तब क्या वो एयरपोर्ट बेच रहे थे, देश बेच रहे थे? ये प्रश्न आज उनके प्रति भी उठता है। मैम, दो गंभीर आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी और उनके फ्रेंड्स मिलकर प्राइवेटाइज कर रहे हैं और आगे फ्यूचर जो यूथ का है, देश के 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक अकाउंट खोला है नरेंद्र मोदी ने। अगर दोस्त आप किसी को कहते हैं तो वो 40 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी का परिवार है। देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिलवाया है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप अभिभावक की भूमिका में उनको देखते हैं तो हाँ, ये 80 करोड़ नागरिक नरेंद्र मोदी का परिवार है। देश में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। अगर आप परिजन मोदी का किसी को कहते हैं तो हाँ, ये परिजन है जिनको लाभ पहुँचा है। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि का 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का रकम जो है उनकी बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। अगर परिजन आप मोदी का किसी को कहते हैं तो हाँ, वो 10 करोड़ किसान मोदी के परिजन हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा गरीब औरतों के घर में गैस पहुंचाना, ये नरेंद्र मोदी का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास है प्रधानमंत्री के नाते। अगर परिजन आप किसी को कहते हैं तो हाँ, मोदी का परिवार, मोदी की बहन वो गरीब औरत है जिसके घर में उज्ज्वला योजना का उपहार पहुँचा। डाउन क्लोजिंग सेल का नाम दिया गया, मैं इतना ही कहूंगी कि कौन सा डाउन क्लोजिंग और डाउन साइजिंग कांग्रेस में हो रहा है, उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैम, अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए, जहां से जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने बयान दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर के बयान दिया हो कि उसे देश का, उसे एक अलग देश माना है और कहा है भारत उसे कब्जा, भारत को तोड़ने की जो किवायद अथवा कोई भी टिप्पणी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर क्या घमासान चल रही है सत्ता के लिए, उस पर मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं वो ये ना भूलें,
कि उनकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है, इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भारत के टुकड़े होने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया और साथ ही साथ कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया। किस तरह से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश जहां तक भारत में हो रहा है और कांग्रेस को लेकर आरोप लगा रही है उन्होंने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां महाराष्ट्र में उठाई गई हैं। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। शहरों में कूड़े और कचरे का निपटान हमेशा से एक चुनौती रहा है। ऐसे में अपशिष्ट संग्रह प्रणाली को अधिक व्यापक और पारदर्शी बनाने के इरादे से साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। नागपुर नगर निगम ने स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत QR कोड का इस्तेमाल शुरू किया है। पूरे महाराष्ट्र में ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी नागपुर को कूड़े कचरे से निपटान से जुड़ी समस्याओं से जल्द निजात मिलने वाली है। नागपुर महानगर पालिका ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। इस प्रणाली में QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड जनरेट कर प्रत्येक घर और कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को चिन्हित किया जाएगा। पूरी तरह से लागू किए जाने के बाद इस सिस्टम के माध्यम से महानगर पालिका को पता चल सकेगा कि शहर के किस घर से अपशिष्ट संग्रह किया गया है और कहां नहीं किया गया है। इसके अलावा अपशिष्ट संग्रह करने वाले वाहनों की भी निगरानी आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र में ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस प्रणाली में क्विक रिस्पॉन्स कोड जनरेट कर हर घर और कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को चिन्हित किया जाएगा। ये व्यवस्था अभी फिलहाल 2 कॉलोनियों के 10-10 घरों में शुरू की गई है। शहर के लोगों की समस्या थी कि कचरे इकट्ठा करने वाली गाड़ियां घरों तक नहीं आती हैं, इसलिए हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना के तहत अपशिष्ट संग्रहकर्ता मोबाइल के जरिए घरों पर लगे QR कोड को स्कैन करेगा और कचरे का तोल करेगा। फिलहाल नागपुर के मारातोली और पेंडाती कॉलोनियों के 10-10 घरों में प्रयोग के तौर पर QR कोड लगाए गए हैं। शहरवासियों की लगातार शिकायतों के बाद नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नागपुर महानगर पालिका ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को लॉन्च किया है। लोगों को ये प्रयोग अच्छा लग रहा है। रीच नहीं आती थी पहले, पर अभी जब से वो अंकल आते ना तो वो हमेशा बताते कि गाड़ी आ गई है, तो हम जाते और वजन वगैरह भी रोज रेगुलर करते बोलो, और बहुत अच्छा। पहले हमारे को थैली वगैरह में भरना पड़ता था, पर अभी बाल्टी रोज फेंका जाता ना तो अच्छा रहता, नहीं तो पहले बीमारियों का डर भी था, अभी रोज हो जाता है अच्छे से। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ये प्रयोग अगर सकारात्मक नतीजे लाता है तो महानगर पालिका इस परियोजना के दायरे में नागपुर के सभी इलाकों को शामिल करेगी। इस परियोजना की सफलता को लेकर नागपुर के मेयर दयाशंकर तिवारी काफी सक्रिय हैं। नागपुर जैसे बड़े शहर में ये योजना अगर सफल होती है तो जाहिर तौर पर देश के दूसरे बड़े शहरों और महानगरों के लिए भी ये एक उम्मीद की रोशनी लेकर आएगी। नागपुर से तबस्सुम मलिक के साथ विष्णु घुटपोड़े की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर देश के उत्तरी राज्यों से। अफगानिस्तान के यात्रियों को लेकर दिल्ली आए विशेष विमान के जरिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता RP सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को ग्रहण किया। हरदीप सिंह पुरी ने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए PM मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। I want to start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. Or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs, my friend Jaishankar ji, Muralidharan ji, for having implemented this.
जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। इलाके में किसी आतंकी के नहीं होने के बाद ऑपरेशन खत्म करने की घोषणा कर दी गई। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि उनकी सरकार कोरोना से आगे की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इस बार 37,000 बेड का इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें 12,000 आईसीयू बेड होंगे और ऑक्सीजन की भी पूरी तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है थर्ड वेव के लिए। इस बार हम 37,000 बेड्स के लिए इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें 12,000 आईसीयू बेड रहेंगे। ऑक्सीजन की भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो हर तरीके से जो वेव, पहले तो कहेंगे कि ना ही आए तो अच्छी बात है, अगर आती भी है उसकी तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाखी छात्रों को नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग कक्षाओं का उद्घाटन किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट के तहत 55 लड़के और लड़कियों को 1 साल के लिए कोचिंग मिलेगी। भारतीय सेना की ओर से साझेदारी में लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर देने के लिए लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य वंचित लद्दाखी छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट अ पैनेसिया, दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड बाय फेस टू फेस क्लासेस एंड वी ट्राइड टू मेक अप सम शॉर्टफॉल्स बाय प्रोवाइडिंग टैबलेट्स विद प्रीलोडेड द ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12। इनफैक्ट टू माई नॉलेज लद्दाख इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री to be giving tablets to every single child. We have also announced certain coaching schemes which are there for class 12 pass students and also those who have passed preliminary exams of All India Services, etc. We all have gathered here to formally inaugurate the coaching center for Project Ladakh Ignited Minds, which is an initiative by the Fire and Fury Corps for the disadvantaged and underprivileged children of this region. Coaching facilities and infrastructure is a major disadvantage for students in this region, especially from non-urban, semi-rural and rural areas while aspiring for higher education qualifications at the national level. Aur ab khabar hai Bihar aur Jharkhand se. केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को आज बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संताल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एम्स देवघर के OPD, आयुष भवन और रेन बसेरा जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस OPD का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहाँ 20 से अधिक तरह के रोगों की जाँच होगी। हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा भी दी जाएगी। OPD में ₹30 में रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर मरीज 1 साल तक इलाज करा सकेंगे। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक बेहतर समाज के निर्माण का माध्यम एम्स देवघर बनेगा। एम्स की टीम ने से कहा कि वो सेवा भाव से काम कर जनता की अपेक्षा पर खरा उतरे। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स देवघर की आधारशिला रखी थी। मुझे बताया गया है कि आज सिर्फ एम्स देवघर की OPD सेवाओं का ही शुभारंभ नहीं हो रहा, बल्कि नाइट सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। एक तरफ OPD सेवाओं की शुरुआत से लोगों को देवघर में ही बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी, लोग अपना इलाज करा पाएंगे।
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर तिलैया रेलखंड पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे के बाद से इस रेल लाइन पर सभी ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सहायक मंडल इंजीनियर नालंदा ने बताया कि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लाइन को शुरू करने में 12 घंटे का वक्त लग सकता है। और अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां सत्ता में भागीदारी को लेकर फैली अफवाहों की हवा दिल्ली तक महसूस की गई, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के साथ लंबी बैठक के बाद मीडिया में सवाल जवाब का दौर भी चला। हालांकि पुनिया ने ऐसी किसी चर्चा से इनकार कर दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा है। मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है, यदि वादा किया था नहीं किया था इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। मध्य प्रदेश में कल से 2 दिन के लिए कोविड टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत समेत प्रदेश के बड़े अधिकारियों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी से कहा है कि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, जनपद के सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ के माध्यम से अनाउंसमेंट और ग्रामीण क्षेत्रों में कोर्टवार के माध्यम से मुनादी कराकर इसकी सूचना दी जाए। टोली बनाकर, नगाड़े बजाकर लोगों को घरों से आमंत्रित किया जाए। समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केंद्र, स्वयं सहायता समूह और एनजीओ का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ देश प्रदेश के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।